इस क्षेत्र से भारतीय टीम ने वॉलीबॉल की बड़े कुछ खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व किया है, जो कि हमारे लिए बड़ी एक गौरव की बात है। और स्थानीय जनता का भी इस टूर्नामेंट का आयोजन करने में बहुत सहयोग रहा है और आगे भी रहेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस तरह की प्रतियोगिता जो है जारी रहेगी और हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे, सबका सहयोग। और आने वाले टाइम में जो युवक तैयार हो रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? भारत सरकार ने देखिए एक बहुत ही अच्छी योजना चलाई है, खेलो इंडिया खेलो, तो हमारे खिलाड़ियों को भी उस तरह की उस स्तर पे उनको पार्टिसिपेट करने का अच्छा मौका मिलेगा, अच्छा अवसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ के जो युवा बच्चे हैं जितने हैं उनमें भावना है, आगे बढ़ने की भावना है, और इस तरह की प्रतियोगिता होगी और इस तरह की जो भारत सरकार ने ये योजना चलाई है इससे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं, वो तो ऐसे ही खेल जगत में नाम कमाएंगे और हमारे क्षेत्र का नाम भी ऊंचा करेंगे। मैं एक्स वॉलीबॉल प्लेयर नेशनल लेवल, और वॉलीबॉल की वजह से ही जो आज हूँ मैं, एक मैंने बुलंदी छुई है सर्विस में, मुझे जॉब जो मिली थी वॉलीबॉल की वजह से मिली थी, इसीलिए मुझे वॉलीबॉल के साथ ऐसा लगाव है, इतना लगाव है कि मुझे अगर खाना नहीं मिलेगा तो वॉलीबॉल मिल जाएगा तो आई फील बेटर। अभी मैं फोर्स रिटायरमेंट लेके कनाडा सेटल हो गया हूँ, लेकिन मेरा वॉलीबॉल के साथ लगाव वैसा ही है, और मेरा जो प्रोडक्टिव कोचेज हैं और प्लेयर्स हैं अपने नॉर्थ इंडिया पर्टिकुलरली, उनके साथ बहुत ही तालमेल और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है, और जो मैं कंटिन्यू रखूँगा, और जहाँ जहाँ भी मुझे मेरे सुझाव की ज़रूरत पड़ती है मैं ऐसे एनर्जेटिक। आप ये देखिए कि इस स्लिपी गांव में, इसको मैं स्लिपी कहूँगा, रिमोट गाँव कहूँगा, तो जो इतना इन्होंने आयोजन किया है ऑल इंडिया लेवल का, ऐसे टूर्नामेंट बहुत कम होते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ, लेकिन बहुत खुशी हुई है। तो शैलेंद्र जी को किस तरह से प्रोत्साहन देना चाहेंगे, शैलेंद्र जी को किस तरह का प्रोत्साहन देना चाहेंगे कि ऐसे आयोजन ही करते रहें? शैलेंद्र जो ये फैमिली को जितना मैं जानता हूँ,
इनके ब्लड में वॉलीबॉल है, इनको सजाओ की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो इनका रेपुटेशन है नेशनल लेवल पे और जितने आप ये प्लेयर देख रहे हैं ये टीमें, इन्हीं के इन्फ्लुएंस से, इन्हीं के उद्यम से ये यहाँ का टीम आई है। अनफॉर्चुनेटली पंजाब और ओएनजीसी की टीमें यहाँ नहीं आ सकी जो इंडिया की टॉप टीमों में गिनी जाती है, पर उनमें कुछ इनकी कुछ वो नहीं है, उनको कन्फर्मेशन मिला उसके बाद वो बैक ऑफ कर गए उनकी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से। तो ये मैं कहूँगा कि सारा कुछ ये होने के बावजूद ये अर्जुन है इज वर्थ प्रेजिंग, इसकी जितनी तारीफ की जाए। और मैं तो अपने दिल से आज ये लेके चला हूँ कि मैक्सिमम मैं आपको बैक करूँगा नेक्स्ट ईयर।